अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो गाइस आज मेरा पहला व्लॉग होगा, मेरी न्यू चैनल पर पहला व्लॉग बनाऊंगा। तो दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं इतनी सर्दी हो रही जिसकी वजह से सामने धूप है। फिलहाल सामने की साइड फिलहाल धूप है, मैं भी आपको दिखा नहीं सक रहा कि मैंने कैमरा फ्रंट की साइड पर किया है और पीछे में पौधे लगे हैं और बहुत ही प्यारे पौधे लगे, जैसे कि देखें आप गुलाब का पौधा, बहुत ही पौधे। और फिलहाल अभी मैं सुबह उठा ही हूँ, अभी मैं उठा हूँ सुबह और अभी नाश्ता करेंगे। और अभी सुबह के बजे 8 और आज का दिन है सैटरडे, तो 27 नवंबर है आज। तो फिर चलते हैं अपने उस डेस्टिनेशन सर, चलते हैं अभी सामने की साइड पर, वहाँ पे भी नाश्ते का भी काम है, नाश्ता भी करेंगे। अभी फिलहाल अभी नाश्ता बना रहे थे, अपने नाश्ता भी आया था, तो फिलहाल नाश्ता बना, वो चाय बन रही है, वहाँ यहाँ पर लच्छे के पराठे बना रही है। अब फिलहाल उनका मूड नहीं व्लॉग में बात करने का, हम भी बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल मैं तो अंडे ही खाऊंगा और ये चाय, ये लच्छा पराठा, और लच्छा पराठा बन रहा है। तब तक यहाँ की तो पराठे की सूरत है, तब तक हम कमरे में चले जाते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ से चलते हैं, थोड़ा कबूतर के पास भी चलते हैं, वो काफ़ी देर हो चुकी है, कपड़ा नहीं उठाया उसका, कपड़ा टाल लेते उसको। फिलहाल अभी मेरे खास से बैठा हुआ होगा, बैठा हुआ है फिलहाल इधर की साइड, लेकिन ये बहुत वो होता है। फिर अभी भागा ना, मैं इसको डंडी को करता हूँ, ये एक तो दिखेगा लॉक्स है, इसको डंडी को करो, ये खुलेगा नहीं, क्योंकि डंडी आगे ज़्यादा सी खुल रही है। वो मेरा हमारा ताज़ा सा कबूतर, जिसका भी फिलहाल बिजली की भी सफाई करूँगा, काफ़ी दिनों की बिजली की सफाई नहीं करा क्योंकि तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, तो हिम्मत ही नहीं हो रही करने की। तो फिलहाल अभी इसको करूँगा, सफाई करूँगा इसकी, जो होगा ना मैं इसकी सफाई करके ना और पूरा वो करूँगा। तो मैं ना इसकी ना पूरी सफाई करूँगा, जैसे कि अभी ये जो है ना फिलहाल इसका भी मैं लाया था, ये पूरा पेयर था, मैं ये इतने वो गए थे, मैं इनको खोलता था पर पूरे थे, तो एक दिन क्या हुआ खोले थे तो दूसरा था ना वो उड़ के निकल गया, वो यहाँ से पहले उधर बैठा था, वो जो ऊपर की साइड आपको नज़र आ रही वो जगह की साइड, पहले वो वहाँ से बैठकर उधर से ऊपर निकल गए, ये दोनों थे। लेकिन ये तो गया नहीं, ये तो मेरे हाथों में आ गया, वो जो था वो निकल गया सामने वाली पिंजरों की साइड, सामने हमारे यहाँ बहुत कबूतर के पिंजरे हैं ना, तो वो उधर की साइड चला गया। तो वहाँ पे ना मैं गया तो मैंने पूछा अंकल है आपके पास, तो वो कहते आए तो था, पर कहते आप अगले दिन आए क्योंकि अभी घर पे कोई है नहीं। अगले दिन गया हूँ तो वो कहते हैं कि आपका कबूतर हो गया, कट कट कट। अभी लेंगे फिर इसके लिए भी, देखता हूँ उसके लिए भी कोई, हमारे यहाँ साथ ही एक ना शॉप है बिल्कुल, यहाँ रोड से यूँ निकलो वहाँ से यहाँ समझो हमारे यहाँ एक शॉप आती है। फिलहाल कबूतर डरा हुआ थोड़ा सा, अब इसको भी निकालता हूँ, खोलने का टाइम हो गया थोड़ा सा खोलने का, फिलहाल इसको भी खोलता हूँ। फिलहाल भी 2 मिनट कैमरा ऐसे करना पड़ेगा, निकालना है इसको, कैमरा फिलहाल ऐसे करूँगा। फिलहाल आ चुके कबूतर हमारे हाथ में, फिर अभी मैं कैमरा को साइड करता हूँ। फिलहाल अभी मेरे हाथ में आ चुका है कबूतर, कैमरा थोड़ा सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ट्राइपॉड है ना, ट्राइपॉड थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, अब हो सकता सेट। ये रहा फिलहाल मेरा कबूतर, आप इसके आइज भी देख लें। अभी फिलहाल मैं इसके पर काटे हैं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है पर काटने में फिलहाल, तो क्योंकि अभी ये तो फिलहाल वो वीवो हुआ है और इसको छोड़ते हैं इधर की साइड में। ये इतना वो हो चुका है कि ये ना पिंजरे के अंदर भागता है, तो ये जो है ना ये चल रहा है, इसको मैं अंदर खाना दिया हो ना खाता नहीं अंदर से, इसको मैं बाहर फेंकूँ ना तो तब ये खाएगा, किसकी पता ही नहीं। कहते हैं कबूतर पाएगा कि गिरा हुआ खाते हैं, लेकिन इसके लिए देखिए मैं स्पेशल मिट्टी की कटोरी लाया हूँ, खाना रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, ठंडा पानी होता है, वो भी फिलहाल देखें कैसे घूम रहा है। पर प्यारा सा लगता है दूर से ना, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है,
अभी देखो करीब कर रहे, कितना मोटा मोटा लग रहा है। अब दूर करते हैं इसको थोड़ा सा, कितना प्यारा लग रहा है मोटा। अभी फ़िलहाल ये मेरे हाथ भी नहीं आएगा तो अभी चेक करते हो। फिलहाल भी अंडे बन रहे हैं, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। फिलहाल अभी अंडे बन रहे हैं, जो खुला है मोटा हो चुका है। पकड़ते हैं इसको, भाग गया, भाग गया था। एक हाथ में कैमरा है ना तो मुश्किल हो रही है ना एक हाथ से पकड़ना। इसको भी बंद कर देता हूँ, फिलहाल अभी टाइम नहीं उसको खोलने का, मतलब तो उसका टाइम होता खोलने का, हाँ उसका टाइम होता है। फिलहाल अभी कपड़ा तो उतार दिए तो उसे डंडी पर आके बैठिएगा। अभी किचन में जाके नाश्ते किया, देखते नाश्ता हुआ है कि नहीं। बिचरा क्या बनाया, अंडा। प्लस अब मैं क्या करूँ, जब तक नाश्ता बन रहा मैं घूमता रह रहा हूँ। फिर अभी वॉक करता हूँ जाकर, अब मैं वॉक के लिए निकला। यहाँ तो आप मेरे व्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको पूरा ना फैमिली व्लॉग मिलेगा, फैमिली व्लॉग, खेलने का व्लॉग, सब कुछ मिलेगा व्लॉग। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ ताकि आपके पास ना सबसे पहले वो वीडियो पहुँचे। और अभी फ़िलहाल ना मैं सोचूँ खेलने का, बॉल सामने पड़ी कि बैट सामने पड़े, भाई को बुलाऊँगा और खेलूँगा। और फिलहाल अभी सन भी आ चुका ही है, थोड़ा सा दूर रहता है। अभी फ़िलहाल लॉन की जगह लॉन की साइड चलते हैं, वहाँ थोड़ा सा सुकून सा मिलता है लॉन की। फ़िलहाल अभी लॉन की साइड पर चलते हैं, लॉन की साइड पहुँच चुके हैं। आज मैं अब आपको पौधे दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा पौधे हैं, ये हमारे दादा बाबू को शौक है ना तो उनने ना ये पौधे रखे हुए हैं। और जब भी सच्चे डेज हुए तो आज जा जब भी जाते हैं तो वो पौधे लाते हैं। तो ये एक सूरजमुखी का लगाया हुआ है, सामने की साइड सन है, उस सन की साइड सूरजमुखी है। ये देखें सूरजमुखी, ये भी एक आ चुका है, छोटा हो चुका है, ये भी एक आ चुका है, लेकिन ये बड़ा प्यारा है क्योंकि इसके साथ ना तीन ये हैं तीन। और मेरे भाई को भी, मेरे भाई छोटे भाई को भी शौक है साथ साथ फूलों का, तो उसने भी अपना अलग से ना बगीचा उस टाइप का बनाया हुआ है। और अभी मैं उसका आपको एक पौधा दिखाता हूँ, ये वो लाया था वहाँ से, तो ये इसको बड़ा प्यारा हुआ है, तो खुशबू बड़ी प्यारी है। और वो रहा उसका बगीचे की साइड, यहाँ पे खोदता रहता है, खजाना मिलेगा खोदता रहता है। और ये उसके एरोविला के जल के पौधे, मतलब कि शौक ऐसे यहाँ पर ना, जैसे कि मेरे भाई को भी शौक है। तो फिलहाल अभी मेरे भाई भी आ चुका है छोटा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कब उठे? मुँह धो लिया। फिलहाल ये भी आ चुके हैं, मुँह धो लिए। और यहाँ पे हमारे पास इनता ही पौधे ही पौधे हैं। ये हमारे बड़ा सा पौधा है, ये तो सब पता नहीं कोई फूल आते हैं, ये तो काफ़ी पुराना पौधा है। इसमें कोई फूल आते हैं रेड रेड कलर के फूल आते, बड़े ही प्यारे फूल होते हैं, वो बड़े मज़ार से आते हैं, और बड़े मज़ार से आते हैं वो। ये पूरा एक बगीचा ना बनाया हुआ है हमारे दादा बाबू ने, पूरा बगीचा से बनाया हुआ है। और यहाँ घूमते हैं हम लोग, वहाँ आते हैं या बैठ जाते हैं यहाँ पर, या थोड़ी वॉकिंग करते रहते हैं, थोड़ा सुकून सा मिलता है। जब पौधों की खुशबू आती है तो थोड़ा सुकून सा मिलता है ना, तो वो फिर ना थोड़ा वो सुकून जब मिलता है ना। ये फिलहाल मुरझा गया, इसको असल में हमने रख दिया था उधर उधर कोने की साइड रख दिया था, जिसकी वजह से दूर नहीं आती थी। तो ये ना थोड़ा वो चुभे मुरझाया सा, लेकिन आपको पता है हमारे बड़े भी बड़े तरीके आते हैं उनको, तो उन्होंने क्या किया वो कहते हैं कि मैंने इसको सामने रखा हुआ धूप के, हर रोज़ उसको पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा हालत इसकी ठीक हुई, वरना पूरा ये दबा हुआ था, पूरा दबा हुआ। क्योंकि पता है आपको बड़ों के पास तरीके होते हैं, तो उन्होंने तरीके से ना इनको उसको ना थोड़ा खिला दिए। और अभी ये माल्टे का भी लगा हुआ है हमारे पास, ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मतलब कि इसमें छोटे छोटे माल्टे आते हैं, बड़ा माल्टा आता ही नहीं इसमें। बड़े माल्टे का भी हम पौधा ले आए हैं। बड़े माल्टे का पौधा किस साइड है? बड़े माल्टे का पौधा किधर है? बड़े माल्टे का बड़ा, फिलहाल मुझे तो अभी पता नहीं, मैंने लाया था पौधा बड़े वाले माल्टे का, छोटे वाले का नहीं, बड़े वाले का जो उस दिन मैं लाया था, बड़ा वाला जो उस दिन मैं आपके साथ लाया था। फिलहाल अभी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसको ही पता होता है दादू बुक साथ यही लगा हुआ होता है। मुझे तो समझ नहीं आया मेरे खास ये है पौधा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, मना इस पर आए होते छोटे छोटे माल्टे। मुझे याद है किधर की साइड है,
और यार तो साथ ही अपने बागीचे में चला गया ना, छोटा सा बागीचा में एरोवेला की वो है सब कुछ, इतनी एरोवेला पड़ी हुई है ना, धूम मची हुई एरोवेला की। और अभी हम लोग अपनी क्रिकेट खेलने की जगह दिखाते हैं इनडोर, जैसे कि अभी देखें बाहर यहाँ पे हमें बाजूगत बाहर हम खेलते नहीं क्योंकि धूप बहुत हो रही होती है, खेलने का मूड नहीं होता बाहर की साइड। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर ये हम लोग की एक साइड है अंदर की साइड, वहाँ पे हम बैठ के ना इंडोर क्रिकेट खेलते हैं। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी नाश्ते के बाद तो इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।